आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में। हो सकता है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, किसी में भी, वो लोग इसके बारे में जानते हों। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग इन चीज़ों से रिलेट नहीं करते हैं या इस इंडस्ट्री से रिलेट नहीं करते हैं किसी भी तौर पर, ये मैंने वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। और बहुत ही सिंपल वे में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल, ताकि कोई बच्चा तो नहीं मैं कहूँगा, खैर सॉरी, लेकिन हाँ, कोई भी जो इंसान है जो टेक्नोलॉजी नहीं जानता है आजकल के टाइम में, वो भी इस चीज़ को समझ पाए। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो क्या चीज़ है और ये आजकल के ज़माने में इतना पॉपुलर ट्रेंड में क्यों है, ये भी मैं बताऊँगा। और दोस्तों, और मैं इसके बारे में जितना हो सकेगा मैक्सिमम आपको अपने इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि ऐसे अपना वीडियो बनाऊं, ऐसे आपको समझाऊं, ताकि कोई भी बंदा जो है इस चीज़ को समझ पाए मेरी वीडियो को देख के। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको राइट साइड में दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, जहां पे मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको सब्सक्राइब के ऊपर दोस्तों जाके टिक मारना है, क्लिक करना है, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अगर वीडियोस अच्छे आते हैं आप लोगों के पास अलर्ट्स जाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फिर इस टॉपिक को दोस्तों समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, वो बनाना जरूरी था क्योंकि मैं अगर आपसे बात करता रहूंगा नॉर्मली तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने इसके लिए छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया, ज़्यादा लंबा नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, मतलब कहाँ से, एक तरीके से कह सकते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसको समझने के लिए चाहिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और ये है कि ये इतना हॉट है समय टॉपिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड में, और दुनिया की जितनी भी कंपनीज हैं वो सारा ये काम करना चाहती हैं और ये कर रही हैं। सबने अपना पैसा हर बड़ी कंपनी ने बेसिकली इसमें लगा रखा है, जो भी टेक्नोलॉजी से मतलब जिनका ताल्लुक है, जिन भी कंपनीज का। तो दोस्तों मैं बेसिकली, जैसे मैं बता चुका हूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है बेसिकली, इसे समझाने से पहले हम थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कुछ बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, जो आप लोगों के घर में होगा, आप लोगों के पास होगा या आपके किसी दोस्त या फ्रेंड के पास होगा, उसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं दोस्तों आप बताइए। जैसे एक रैम होती है, मेमोरी होती है, 4 GB है, 2 GB रैम है, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है। एक होता है CPU, कितना तेज चलने वाला है, कोर टू ड्यू है, ड्यूल कोर है, ठीक है, पेंटियम के पहले चलते थे जैसे पुराने जमाने में, आजकल तो बहुत लेटेस्ट आ गए हैं, i5, i7 है, i3 है प्रोसेसर, वही CPU जो है। इसके अलावा दोस्तों डिस्क स्पेस होता है कि इसमें मेरे पास जो है 250 GB डिस्क स्पेस है, 500 GB, 1 TB है, 2 TB है इस कंप्यूटर में डिस्क स्पेस, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा उसमें एक नेटवर्क होता है, एक जगह आप तार कनेक्ट करते हैं, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो वो जो कनेक्शन है वो आपके कंप्यूटर के पीछे आके लगता है और आप जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्यूटर को बनाने वाली चार, मैं कहूँगा अपनी तरफ से, एक मुख्य चीज़ें हैं, बनाने वाली तो नहीं लेकिन हाँ ये मेन मेन पार्ट्स हैं जो कि एक कंप्यूटर में लगते हैं। मदरबोर्ड, चिपसेट, मैं इनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, यही मेन जो चीज़ें हैं मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगा, और मैं आगे भी मतलब कुछ भी रिलेट करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, क्योंकि एक कंप्यूटर में मेन चीज़ आप लोग क्या देखते हैं खरीदते वक्त, यही चीज़ें तो देखते हैं आप। मदरबोर्ड तो नहीं देखते ना कि कौन सी कंपनी का लगा है, उसमें PCI कार्ड, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर होता है दोस्तों। अब दोस्तों अगली चीज़ होती है एक सर्वर, लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि बैंक में गए, भाई सर्वर नहीं चल रहा है, खराब है सर्वर, ठीक है, पैसे नहीं ले रहे बैंक वाले, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई ATM नहीं चल रहा है, भाई सर्वर काम नहीं कर रहा है, उस पर लिख के आ जाता है सर्वर इज टेम्परेली डाउन या फिर कुछ है ATM पे। तो सर्वर दोस्तों क्या होता है? सर्वर आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सर्वर एक बड़ा भाई है कंप्यूटर का ही। कंप्यूटर में जैसे आपके रैम होती है, CPU, डिस्क स्पेस और नेटवर्क होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से अगर मैं किसी कंप्यूटर में, एक इमेजिन करिए उसमें बहुत सारी रैम, मतलब 256 GB, 1 TB,
या फिर 100 GB रैम, मतलब एक इमेजिनरी, मैं बता रहने के लिए आपको समझा रहा हूँ, उस कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में अगर इतनी रैम, सीपीयू बहुत ही ज़्यादा, प्रोसेसर मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड का, कंप्यूटर से आप समझ लीजिए 10 गुना स्पीड का, 20 गुना स्पीड का लगा दिया जाए, उसमें डिस्क स्पेस जो है 1 TB, 2 TB की बजाय 50 TB मान लीजिए, मतलब 50 TB यानी कि 50,000 GB फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसी नेटवर्क उसमें बहुत ही हाई कनेक्शन का इंटरनेट स्पीड दे दी जाए, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, सर्वर बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ कि सर्वर क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल एक कंप्यूटर का बड़ा भाई या बिग डैडी कह लीजिए या बिग ब्रदर कह लीजिए, अगर मैं कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें खूब ज़्यादा तादाद में लगा देता हूँ तो वही सर्वर बन जाता है दोस्तों, और उसी को ही सर्वर बोला जाता है आजकल की इंडस्ट्री में। तो ये होता है दोस्तों सर्वर, ठीक है। आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी हैं, तो जैसे कंप्यूटर है दोस्तों, वो लैपटॉप है, पीसी है, ये सारे कंप्यूटर कहलाते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों सर्वर हैं, वो देखिए आप ऐसा, मतलब ये मैंने एक पिक्चोरियल, मतलब इसी टाइप का ही होता है, जो लेफ्ट में है दोस्तों, ये वाला लेफ्ट में है, इसे बोलते हैं दोस्तों, ये जो खड़े शेप में है इसे बोलते हैं, ऐसे ही हमारे घर में डेस्कटॉप भी होते हैं ना, तो वही जो कंपोनेंट होता है वही सर्वर होता है बड़े, मतलब मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे होता है, तो इसी को हम सर्वर बोलते हैं दोस्तों। लेफ्ट साइड में ये जो सर्वर है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सर्वर है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, पा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में जहाँ पे मैं माउस चला रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सर्वर की शेप है, और राइट साइड में दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी सर्वर के ही, मतलब अब जो सर्वर आने के लिए दोस्तों, पहले तो ऐसे बड़े बड़े आते थे, ठीक है, लेकिन अब जो सर्वर आ रहे हैं वो इतनी पतले पतले छोटे छोटे शेप में, ऐसे आप जो है उन्हें ऐसे रख सकते हैं, मतलब जैसे पुराने वाले सर्वर, जैसे मैं माउस से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन्हें आप खड़े खड़े रूप में रखते थे, और ये जो दूसरे वाले इसके बाद जो सर्वर है दोस्तों, ये आप जो है बहुत पतले पतले आते हैं, आप इन्हें जो है सीधे सीधे ऐसे ही रख सकते हैं, तो एक एक जगह पे चार आ सकते हैं, जहाँ पे एक जगह पे पहले एक आता था। तो ये तो सिंपल मतलब चीजें हैं। अब दोस्तों अगली चीज आती है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दोस्तों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये एक बिल्कुल ही बेसिक टर्मिनोलॉजी में कहूंगा, बेसिक चीज है, और काफी लोगों को नहीं पता होगी ये, जो लोग आईटी से रिलेट नहीं करते हैं, या जो लोग जो है टेक्नोलॉजी में काम नहीं करते हैं, या लोग जो लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जिनका वास्ता नहीं है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक आर्किटेक्चर, इसे क्यों बोला जाता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्लाइंट सर्वर का मतलब है क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट क्या है दोस्तों, जो नॉर्मल कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, जिस पे हम काम करते हैं वो क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है, और उस क्लाइंट मतलब जो हमारा कंप्यूटर है उसके थ्रू अगर हम कोई चीज एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जीमेल एक्सेस करते हैं दोस्तों, कोई हर कोई बंदा अपने कंप्यूटर से जीमेल एक्सेस करता है, या फिर दोस्तों कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी साइट एक्सेस करता है दोस्तों, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करता है, तो हम कहाँ से करते हैं, अपने कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर से करते हैं ना, पीसी से, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से करते हैं, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों, उसको क्लाइंट कंप्यूटर ही बोला जाता है। अब दोस्तों सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, जो मैंने बताया कि सर्वर ये होता है, ऐसा होता है सर्वर देखने में, और बेसिकली सर्वर क्या होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा तादाद में रैम है, मेमोरी है, सीपीयू है, डिस्क स्पेस लगा दिया जाए तो वो सर्वर बन जाता है। तो दोस्तों सर्वर कंप्यूटर क्या होता है, वो सर्वर होता है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन होती है। अब आप लोग जो दोस्तों जीमेल जो इस्तेमाल करते हैं, अब जीमेल में आप जो डाटा आप डाल रहे हैं, ठीक है, आप ईमेल भेज रहे हैं, आपके पास ईमेल आ रही है, और आपके पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब है जैसा आपको दिखाई दे रहा है जीमेल पे, कि यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे ईमेल क्लिक मारूंगा तो ये एक्सेस होगा, ठीक है दोस्तों, तो वो चल किसकी मदद से रहा है, कोई पीछे बैकग्राउंड में एप्लीकेशन काम कर रही है दोस्तों। एप्लीकेशन का मतलब आप मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है बैकग्राउंड में, और वो कहाँ काम कर रहा है दोस्तों, वो काम कर रहा है सर्वर पे। सर्वर पे कहाँ पे, सर्वर कंप्यूटर पे, जो मैं बात कर रहा था पहले, तो वो कहाँ काम कर रहा है दोस्तों, सर्वर कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वहां पे वो चल रहा है, लेकिन आप एक्सेस कहाँ से कर रहे हैं, अपने क्लाइंट कंप्यूटर से। आप अपने घरों में बैठ के जीमेल एक्सेस कर रहे हैं, आप अपने घर से वेबसाइट चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम, वो कहाँ रन हो रहा है दोस्तों, वो कर रहा है सर्वर पे रन। तो इसलिए हम इसे मॉडल को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्यों, क्योंकि जब हम काम करते हैं यहाँ से और कनेक्ट करते हैं सर्वर को, तो जो डाटा हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ओवर द इंटरनेट भेज रहे हैं, ठीक है,
क्योंकि हम जीमेल पे काम करते हैं, इंटरनेट पे ही काम करते हैं ना, तो वो तारों, इंटरनेट की तारों के थ्रू जाके वो कहाँ जा रहा है, सबमिट हो रहा है, कहाँ पे सेव हो रहा है, वो हो रहा है मेरे सर्वर पे, जो जीमेल का जो सर्वर है, जीमेल कंपनी जो गूगल की है कंपनी, वहां के सर्वर पे सेव हो रहा है। ऐसी कोई भी मैं वेबसाइट खोला हूँ, IRCTC की खोल रहा हूँ या कुछ भी खोल रहा हूँ दोस्तों, तो वो जो डाटा जो भी मैं काम कर रहा हूँ उससे मैं, वो कहाँ सेव हो रहा है दोस्तों, वो किसी ना किसी सर्वर पे, उस कंपनी के सर्वर पे सेव हो रहा है जिसकी वहाँ वो वेबसाइट है। और दोस्तों जब हम, मैं डाटा मुझे जो निकल के आता है सामने, मुझे दिखता है, मैंने टिकट बुक करा, मेरे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो वो कहाँ से निकल के आ रही है दोस्तों, वो सर्वर से ही निकल के आ रही है, वो आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके नॉर्मल PC या लैपटॉप पे सेव नहीं है। तो इसलिए हम इसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए मेरे डायग्राम में सर्वर कहाँ पे है दोस्तों, इंटरनेट के पार, बीच में हमारा इंटरनेट ही तो है जिससे हम कनेक्ट करते हैं सर्वर को। अगर आप ऐसे देखें तो क्लाइंट है काफी सारे, कोई भी क्लाइंट हो सकता है, कंप्यूटर जो भी वेबसाइट कनेक्ट कर रहा है या जो भी जीमेल या फिर याहू मेल, कोई भी ईमेल जो है एक्सेस कर रहा है। और दोस्तों सर्वर कहाँ है, वो कहीं और जगह पे है और वो भी इंटरनेट से कनेक्ट है। बीच में मेरे क्लाइंट कंप्यूटर के और सर्वर कंप्यूटर के बीच में क्या चीज जोड़े रख रही है मुझे, इंटरनेट दोस्तों। तो ये है दोस्तों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन करूं, आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बताना चाहूं ताकि कोई भी बंदा समझ पाए इस चीज को, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़े और बेसिक्स बताता हूँ थोड़े से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब दोस्तों डेटा सेंटर क्या होता है, आप लोगों ने शायद नाम ना सुना हो या फिर कभी आपने न्यूज़ सुनी हो, कि मैं आपको बताता हूँ जैसे इस बड़ी कंपनी ने इसको खरीद लिया, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसे न्यूज़ सुनी होगी आपने। तो उनके बैकग्राउंड में पीछे जब मर्जर एंड एक्विजिशन जिसे बोलते हैं हम, कोई बड़ी कंपनी जब किसी और कंपनी को खरीदती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो लोगों का क्या होता है, आप लोगों ने सुना हो कि इतना टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा होने में। वो टाइम इसलिए भी लगता है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो सब ट्रांसफर होते हैं उस साइड, लेकिन जो मेन टाइम दोस्तों वो पता है किसमें लगता है, वो सारा का सारा जो उसके सर्वर थे दूसरी कंपनी के, और जो दूसरी कंपनी के सर्वर थे, मान लीजिए ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया, तो जो बी कंपनी के सर्वर थे दोस्तों, जो उस पर डेटा पड़ा था, वो ए कंपनी के सर्वर्स पे जाना है या फिर दोनों को मिलना है, ठीक है। दोनों, अगर मैं दोनों दोनों जो लेफ्ट साइड, मतलब जो मेरे ए कंपनी के सर्वर्स हैं और बी कंपनी के सर्वर्स हैं, उन पे जो डेटा पड़ा है वो एक जगह से ही एक्सेस हो, मतलब अलग अलग से ना हो, वो मिलाना है। तो इन्हीं चीजों में दोस्तों मर्जर एंड एक्विजिशन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, कि दोनों कंपनी के IT डिपार्टमेंट जो है एक एक होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग होंगे तो कंपनी को फायदा नहीं है ना, पैसा तो दोनों तरफ खर्च हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां पे सर्वर्स रखे जाते हैं। जो सर्वर के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि सर्वर ये होता है, रैम ज्यादा बड़ी कर दी, CPU ये सारी चीजें कर दी, तो वो सर्वर बन गया। अब काफी सारे सर्वर जहां पे रखे जाते हैं उसे डेटा सेंटर बोलते हैं। तो एक मैंने पिक्चर ये दे रखी है आगे, आप ये देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी अलमारियां सी हैं दोस्तों। तो इस बड़ी अलमारी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैबिनेट, कैबिनेट बोला जाता है इसे। ऐसे हम किसी भी अलमारी को कैबिनेट बोलते हैं, वैसे ही हम डेटा सेंटर के अंदर सर्वर्स रखते हैं, और सर्वर्स कहाँ रखे जाते हैं, कैबिनेट के अंदर। तो ये कितने सारे कैबिनेट देख रहे हैं आप दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही इसके आगे ये एक कैबिनेट है, और इसमें जो है हैंडल लगा हुआ है खोलने के लिए। तो इन्हीं के अंदर दोस्तों ये देखिए आप, खड़े खड़े वाले सर्वर हैं जो लेफ्ट वाले मैंने आपको दिखाए थे। तो ये पूरे के पूरे एरिया को, जिसके अंदर ये कैबिनेट रखे हैं और सर्वर्स रखे हैं, इस पूरी जगह को हम बोलते हैं डेटा सेंटर, जहां पे पूरा डेटा है एक तरीके से, तो डेटा सेंटर कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एक और टर्म है जो मैं बताऊंगा, वो ये होती है कि एप्लीकेशन क्या होती है दोस्तों। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, कि मैं जैसे जीमेल एक्सेस कर रहा हूँ या ईमेल या कुछ भी, तो मुझे जो दिख रहा है दोस्तों वो एक तरीके से इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कि मैं कहीं पे साइन इन कर रहा हूँ, तो मेरे से ईमेल ID पूछ रहा है, मेरी पासवर्ड पूछ रहा है। तो जो मुझे दिखाई दे रही है ना दोस्तों चीजें, जो मतलब मेरी विंडो पे दिख रहा है मुझे, वो उसे बोला जाता है इंटरफेस दोस्तों। और वो किस चीज का इंटरफेस है, मैं यूजर हूं दोस्तों, मैं एक नॉर्मल बंदा हूं, मैं यूज कर रहा हूं उस चीज को, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस है वो जो मुझे दिख रहा है क्लाइंट कंप्यूटर पे दोस्तों, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में डाटा कहाँ जा रहा है, बैकग्राउंड में डाटा कहाँ सेव हो रहा है, वो सारा सेव हो रहा है कहाँ दोस्तों, सर्वर पे। लेकिन वो जो यूजर इंटरफेस है वो किसकी मदद से चल रहा है, वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर से तो चल नहीं रहा है, वो कहाँ चल रहा है दोस्तों, एक्चुअल में वो एप्लीकेशन कहलाती है, जो उस यूजर इंटरफेस को दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, और जो भी काम करवा रही है,
मतलब मैंने डेटा डाला दोस्तों, अब वो डेटा सेव हो रहा है दोस्तों सर्वर पे, ठीक है। और मैंने कुछ डेटा निकाला, मान लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन आई मेरे सामने, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई दोस्तों, निकल के सर्वर से निकल के आई। लेकिन वो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है दोस्तों, कोई कोडिंग, कोई कोड कर रहा होगा ना पीछे, कोई बैकग्राउंड में डेवलपर ने कोडिंग करी है। अब वो कोडिंग जब मिल जाती है दोस्तों और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, काफी सारी कोडिंग मिला के एक प्रोग्राम बन जाता है, और एक प्रोग्राम बेसिकली या आप कह लीजिए सॉफ्टवेयर बन गया, या फिर कह लीजिए उसे एडवांस रूप में, अगर उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए, जैसे काफी सारे कोड ऐड हो गए, मॉड्यूल्स ऐड हो गए, तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन दोस्तों। कैसे बोला एप्लीकेशन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो जीमेल है, ठीक है, तो उसका डेटा कहाँ से हो रहा था दोस्तों, सर्वर पे। अब उस सर्वर पे क्या चीज इंस्टॉल है, एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है दोस्तों। कौन सी एप्लीकेशन, जीमेल का मेल सर्वर इंस्टॉल है वहां पे। मैं एक आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, इसमें कई चीजें हैं बताने के लिए। तो जीमेल जो है, जीमेल एक एप्लीकेशन वहां पे इंस्टॉल है, आप ऐसा समझ लीजिए। और कहाँ पे इंस्टॉल है, सर्वर पे। और मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ सर्वर को, ताकि जो मेरे सामने जो यूजर इंटरफेस आ जाए जैसा मैं देखता हूँ वेबसाइट पे जीमेल का, और दोस्तों, और उसको मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू। मतलब मेरा ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पर जो मेरा जब मैंने यूआरएल डाला तो वो कनेक्ट हुआ सीधे कहाँ पे, सर्वर पे कनेक्ट हुआ, और वहां से मुझे यूजर इंटरफेस भी लेके आया, और जो मैं डाटा डाल रहा हूँ वहां पे सेव हो रहा है सर्वर पे, और वहां से ही वो उसको लेके आ रहा है। तो दोस्तों बैकग्राउंड में, मतलब बैकग्राउंड में तो नहीं, खैर जो सर्वर सर्वर पर रन हो रही है दोस्तों, वो रन हो रही है एप्लीकेशन, उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर कह लीजिए या एप्लीकेशन कह लीजिए, एप्लीकेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो काम करवा रही है यूजर से, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर हम जनरली उस चीज को बोलते हैं जो क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती है। आप ऐसे मान लीजिए, समझ लीजिए, जैसे छोटा मोटा मैं मान लीजिए ऑफिस का आउटलुक इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे, या फिर पावर पॉइंट एक्सेल इंस्टॉल कर दिया, तो वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन क्या है, जो क्लाइंट कंप्यूटर पे लोग जो एक्सेस कर रहे हैं, क्लाइंट कंप्यूटर अपने नॉर्मल डेस्कटॉप लैपटॉप से, और वहां पे उनको जो है एक यूजर इंटरफेस दे रही है, ठीक है, उनको दिख रहा है क्या चीज है, और उनको डाटा प्रोवाइड कर रही है जो वो कुछ डाल रहे हैं, या फिर सेव कर रही है उनका डेटा, या फिर उससे उन्हें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो बैकग्राउंड में जो सर्वर पर रन हो रही है वो एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक होता है डेटाबेस। डेटाबेस दोस्तों क्या होता है बेसिकली, अब एप्लीकेशन तो आपको पता लग गई, ठीक है, एप्लीकेशन तो बेसिकली जो काम करवा रही है, ठीक है, लेकिन जो मैंने डेटा भेजा अपना, ठीक है, पासवर्ड भेजा, यूजर आईडी भेजा, अब वो जाके दोस्तों सेव कहाँ हुआ, यूजर आईडी मेरा जब मैंने पहली बार अपना अकाउंट बनाया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस डाला, वो दोस्तों सेव कहाँ हुआ, वो सब भी सर्वर पे ही सेव होता है दोस्तों, सर्वर पे ही सेव हो रहा है, ठीक है। और उस जो जहां पे जिस चीज पे वो सेव होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं डेटाबेस, डेटा का बेस, उसे बोलते हैं डेटाबेस, जहां पे भी ये सारी चीजें सेव हो रही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस, ये सारी चीजें जहां पे सेव हो रही हैं दोस्तों, वो हो रही है सर्वर पे ही, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन भी वही रन कर रही है, और वो सेव दोस्तों कौन कर रहा है, डेटाबेस सेव कर रहा है। डेटाबेस भी दोस्तों कई तरीके के होते हैं, जैसे सीक्वल का, ओरेकल का, काफी लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है पढ़ा भी हो, माई सीक्वल है, DB2 है, ये सारे बहुत सारे टाइप की बहुत सारी कंपनियां जो है सीक्वल निकालती हैं, मतलब डेटाबेस निकालती हैं। मेन जो दो बड़ी कंपनियां हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का आता है एमएस सीक्वल सर्वर, और दोस्तों ओरेकल का आता है, ओरेकल के सर्वर, ओरेकल का बेसिकली डेटाबेस आता है 9G 10G 11G नाम से जो है वर्जन है उनके। वर्जन मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अब वो जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों जब पहली बार बनाया, ठीक है, और लोगों को दे दिया यूज करने के लिए, लेकिन अगली बार मैंने कोई नई फंक्शनैलिटी डाली और उसको दोबारा जो है दोबारा यूज करने के लिए दिया नया, लेकिन नई कॉस्ट पे, ठीक है, नई कॉस्ट पे दिया दोस्तों, तो वो वर्जन चेंज हो गया मेरा। एक वर्जन था जो मैंने पहली बार दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसमें चार पांच और नई चीजें ऐड कर दी, और अगली बार मैंने उसी को जो है बेसिकली नई कॉस्ट के साथ, नई नई कॉस्ट से निकाला, नए ज्यादा पैसे लगा के, तो एक तरीके से दूसरा वर्जन उसका रिलीज हुआ, तो आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर में दोस्तों जो भी कंप्यूटर में लगी होती हैं चीजें, वो सारी हार्डवेयर में ही आती हैं। जैसे उसका जो है आप कह सकते हैं मॉनिटर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है,
इसके अलावा दोस्तों क्या लगा होता है, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, कई सारे पोर्ट्स होते हैं, लैन कार्ड होता है, साउंड कार्ड होता है, ये सब चीज़ें जो लगी होती है ना दोस्तों, ये सब फैन लगा होता है उसमें। आप देखते होंगे आपके डेस्कटॉप पे, मतलब वर्क डेस्कटॉप वगैरह पे आपके जो है फैन एक घूमता है दोस्तों, मतलब पंखा जो लगा होता है ताकि हीट ना हो मेरा जो डेस्कटॉप है, तो वो भी एक हार्डवेयर में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया सॉफ्टवेयर आपको, कि कोई भी चीज़ जो है हम कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर में जनरली इसको मानते हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं और हमें कुछ और मतलब उससे कुछ काम करा सकते हैं हम ये वो, लेकिन इंटरनेट पे हम कनेक्ट नहीं है, इसको मैं ऐसे मान के चलूँ, तो वो दोस्तों किससे बनता है, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं आप और एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, वो दोनों चीज़ें किससे बनती हैं दोस्तों, कोडिंग से बनती हैं। कोडिंग कोडिंग मतलब कोड करना, किसी भी चीज़ को लिखना, मतलब कुछ ऐसा लिखना जिससे जिससे जो है कंप्यूटर वो काम मेरे लिए कर सके। मैंने लिखा कि ना कि जैसे आप कैलकुलेटर देखते हैं, आपने 2 + 2 डाला, ठीक है, इक्वल टू दबाया दोस्तों 4 आया ना, तो 2 + 2 जब डाला मैंने, तो वो कंप्यूटर ने कैसे रिकॉग्नाइज करा, मेरे कोड के थ्रू, उसने मेरे से मांगा कि आप डालिए 2 और 2 डालिए, मतलब मैंने तो सोच के डाला 2 और 2, लेकिन उसमें जो बटन दिख रहे थे 1 2 3 4 5 6, जब मैं उन बटनों पे क्लिक करता हूँ, 2 मैंने जब क्लिक मारा तो वो उसने पहचाना कि ये 2 है, और फिर मैंने जब 2 पे क्लिक मारा और प्लस पे दबाया जैसे, तो वो उसने पहचाना दोस्तों। वो ये सारा काम जो है बेसिकली जो आप लिखते हैं कोड करते हैं, वो ये सारा काम करते हैं कि कैलकुलेट करना या फिर कोई भी जो आप काम करवाना चाहते हैं किसी कंप्यूटर से, तो आपको जो है कोडिंग या प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। जैसे पहले C++, C में प्रोग्रामिंग होती थी, उसके बाद जावा आया जैसे हम मान सकते हैं, फिर अब तो बहुत लैंग्वेजेस आ गई हैं जैसे रूबी है, इसके अलावा PHP चल रहा है इस समय जो वेबसाइट डिजाइनिंग में यूज होता है, तो वो सब कोडिंग के थ्रू ही होता है दोस्तों। कोडिंग करनी पड़ती है, वेबसाइट बना सकते हैं, कोडिंग आप करिए, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो आप जो है कोडिंग करते हैं। HTML है जैसे एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज, अब HTML5 भी आ चुकी है काफी टाइम पहले, तो दोस्तों ये सारी चीजें। यूजर इंटरफेस मैं आपको दोस्तों बता ही चुका हूँ, और अब दोस्तों ये सारी चीजें मिला के जो इस पेज पे हैं, डेटा सेंटर जो है बेसिकली एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यूजर इंटरफेस तो यूजर के पर्सपेक्टिव का है, तो ये सब चीजें दोस्तों मिला के क्या बन जाता है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक टर्म है दोस्तों, IT, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उसको बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं, सीमेंट लगता है, कंकड़ लगता है, मतलब बजरी लगती है, ईंटें लगती हैं, तार लगते हैं, सरिये लगते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें क्या दोस्तों मिला के बनाती हैं, हमारा जो है बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, ढांचा बनाती है जिसे हम कहते हैं। तो सेम चीज़ ये डाटा सेंटर, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें मिला के हमारे क्या बनाती हैं, IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। तो मेनली जो IT का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, आप कह सकते हैं डेटा सेंटर, आप कह सकते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका कंप्यूटर है दोस्तों उसमें क्या पड़ा होता है। हार्डवेयर तो है ही आपका, जैसे मैंने बताया CPU, RAM, मदरबोर्ड और ये सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन उसके ऊपर पड़ा क्या है, विंडोज पड़ी होती है दोस्तों, किसी के उबंटू, किसी के यूनिक्स, लिनक्स का फ्लेवर पड़ा होता है, विंडोज पड़ी होती है ना, आप लोगों में विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, विंडोज Vista है, विंडोज आपका कह सकते हैं 2000 है, या कोई भी विंडोज का वर्जन पड़ा हुआ है दोस्तों। तो ये जो विंडोज है, ये जो हमें दिख रही है बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर हमें जो स्क्रीन दे रही है, वो क्या चीज़ है दोस्तों, ये विंडोज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों किस चीज़ से मिलकर बना होता है दोस्तों, प्रोग्रामिंग से, प्रोग्राम्स जो करते हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं वो लोग मिलके, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जिन्होंने कोडिंग, जब विंडोज़ बनी थी बहुत ज़्यादा तादाद में जिन्होंने कोडिंग करी हो, और उसको मिला के दोस्तों जो है विंडोज़ बनाया। अब उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते गए, तो आज देखने में इतना अच्छा फील आता है जब आप बहुत पुरानी वाली विंडोज़ उठा के देखेंगे, बहुत आज से 20 साल पुरानी विंडोज 92, या जिन्होंने काम किया हो, या फिर जिन्होंने मतलब जिनके पास थी, तो आप देखेंगे पहले ब्लैक एंड व्हाइट विंडोज़ आती थी, अब देखिए विंडोज 7, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज Vista जो रिलीज हुई, विंडोज XP E1, आप देखिए विंडोज XP को आज की विंडोज 10 से कंपेयर करिए, तो देखिए कितना फील में चेंज आ गया है, लुक्स में चेंज आ गया है। क्यों चेंज आ गया, क्योंकि लोग लगातार कोडिंग कर रहे हैं और उसे अच्छा बनाने के लिए नई नई फंक्शनैलिटीज डाल रहे हैं दोस्तों। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी किस चीज़ से मिलकर बनाया दोस्तों, वो भी किसी ना किसी बंदे, किसी
किसी बंदे ने तो नहीं, हजारों बंदों ने कोडिंग करी होगी और उसको बनाया, जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में काम करते हैं, तो वो कहलाता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक विंडोज आता है, और एक दूसरे आते हैं दोस्तों जो जो लोग एप्पल के लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है उन्हें बोलते हैं मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में यूज़ बहुत कम होते हैं लेकिन बड़ी जो कंपनियां हैं वो लोग यूज़ करती हैं, जैसे उबुंटू है, लाइनेक्स है, रेड हैट है, ठीक है, सुसी लाइनेक्स है, फेडोरा है, ये सारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके बहुत ज़्यादा आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो अब दोस्तों अगला दोस्तों मैं बताता हूँ कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या है। तो इसमें दोस्तों दो टर्म्स है, क्लाउड है और एक कंप्यूटिंग है। तो कंप्यूट दोस्तों क्या होता है, तो जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं ना दोस्तों सर्वर पे, सर्वर पे कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, रैम है, सीपीयू है, नेटवर्क है, मेमोरी है, ये सारे रिसोर्सेज जो है दोस्तों मिला के कंप्यूट कहे जाते हैं, इनको हम कंप्यूट बोलते हैं एक तरीके से हम मान सकते हैं, जो कि सर्वर बनाने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कंप्यूट, ठीक है, जो कि हमारे सर्वर बना रहे हैं। अब दोस्तों क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब बेसिकली ये है कि वो रिसोर्सेज जो भी कंप्यूट वाले जो रिसोर्सेज थे दोस्तों उन सबको एक जगह ला दिया जाए काफी सारी तादाद में, और उसका एक पूल बना दिया जाए। पूल का मतलब है दोस्तों मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 गिलास पानी है दोस्तों, ठीक है, 10 गिलास मतलब आप मान लीजिए कि 1 गिलास पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और बाकी ऐसे ही 9 गिलास और है, मतलब टोटल 10 गिलास में पूरा भरा हुआ पानी है दोस्तों। लेकिन मेरे पास जो लोग हैं दोस्तों पीने वाले, मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 2 ही हैं, ठीक है, तो अब वो एक बंदा गिलास ज़्यादा से ज़्यादा 2 पी लेगा, 3 पी लेगा, सारे तो नहीं पी पाएगा ना दोस्तों। ठीक है, अब उन 10 गिलास का मैं क्या करता हूँ, अब मान लीजिए वो एक एक गिलास एक एक सर्वर के बराबर है, ठीक है, 10 सर्वर है मेरे पास, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, और 2 लोग हैं खाली यूज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं पानी से रिलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग टेक्निकली समझ नहीं पाएंगे, तो मैंने क्या किया दोस्तों, वो जितने भी पानी के गिलास थे एक घड़ा लिया या एक मटका लिया, उसमें डाल दिया 10 के 10। ऐसी मैंने क्या किया, मैं इससे रिलेट करूं, मैंने जितने भी 10 सर्वर थे मेरे पास दोस्तों उन सब की मैंने चीजें निकाली और वो सब एक जगह डाल दी और एक बड़ा सा मैंने जो है सर्वर बना दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। ऐसी मैंने एक मटका जो है उसमें सारे 10 के 10 पानी डाला गिलास भर के, और उसको जो है पूरा का पूरा एक मटका भर दिया उससे। ठीक है दोस्तों, अब जिसको जितना पीना है वो टोटी खोले और जो है पानी निकाल के पी ले, मतलब वो जो घड़ा है या वो जो आप कह सकते हैं बर्तन है जिसके अंदर मैंने 10 गिलास पानी डाला, अब जो 2 बंदे थे वो आए, उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए घड़ा है उसमें टोटी लगी है या फिर मान लीजिए टैप लगी है या फिर कह सकते हैं आपकी, उन्होंने लिया गिलास जितना पानी लेना था उनको पीना था, उन्होंने उस मटके में या बर्तन में डाला गिलास और निकाल के पी लिया दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ इससे, इससे आपकी चीजें बच गई ना आपके, क्या हुआ इससे, जो आप जो 10 गिलास थे अलग अलग वो पानी वेस्ट हो जाता अगर एक या दो ही बेसिकली मतलब वो लोग गिलास पी के चले जाते, 2 या 4 पी लेते, बाकी के 6 गिलास तो वेस्ट हो जाते ना। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या हुआ, मैंने मटके में पानी भर दिया और उसमें से जिनको जितना पानी चाहिए वो लोग पी लें, वो दोनों चले गए, और बाकी का जो बचा पानी है दोस्तों वो जब कोई और पीने आएगा उसे मिल जाएगा, वो जब मान लीजिए कोई और प्यासा पीने आया उसे मिल गया। तो दोस्तों क्या हुआ, वो जो बंदे थे उन्होंने मान लीजिए वो क्या बोलते हैं, कितने जितना गिलास पानी पिया उतने का ही तो पैसा दिया, मान लीजिए उन्होंने एक एक गिलास दोनों ने पानी पिया, ठीक है, 10 गिलास की बजाय उन्होंने एक एक गिलास का ही बेसिकली पैसा दिया पीने के लिए। इसी तरीके से सर्वर में क्या होता है दोस्तों, अब ये जो जितने भी सर्वर है मान लीजिए इनमें जो रिसोर्सेज लगे हैं, जो भी कंप्यूट लगा है कह सकते हैं आप, वो जितने भी सर्वर हैं वो सारी चीज़ें रैम मेमोरी सीपीयू एक जगह इकट्ठी कर दी जाए। एक जगह इकट्ठी दोस्तों कैसे होंगी, एक डेटा सेंटर में इकट्ठी होंगी, जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे सर्वर्स मिला के डेटा सेंटर होता है, वहां पे इकट्ठी कर दी जाए। अब जो भी मतलब जो कंपनियां जिन्हें सर्वर की जरूरत है, मान लीजिए बैंक की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, कोई भी कंपनियां जिन्हें सर्वर की जरूरत है, वो लोग क्या करें अपना ना खरीद के, उन्होंने खुद कोई सर्वर नहीं खरीदा दोस्तों, और जिस कंपनी ने जैसे डेटा सेंटर रख रखा है, जिस कंपनी ने बहुत बड़े डेटा सेंटर बना रखे हैं, उनसे जाके जितनी ज़रूरत है उतना ले लें पानी,
आप ऐसे मान लीजिए, मतलब एक सर्वर की ज़रूरत है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी एक सर्वर वहाँ से ले लिया, दो सर्वर की ज़रूरत है वहाँ से ले लिया, जब ज़रूरत नहीं है वापस कर दिया, ऐसा कर दिया जाए तो उस पूरे पूल को, मतलब उस पूरे डेटा सेंटर को मैं क्या बोलूँगा दोस्तों, उस पूरे पूल को क्या कहूँगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है दोस्तों एक तरीके से, इसमें क्लाउड का मतलब हो गया दोस्तों कि मैं मतलब चीज़ें जाके एक्सेस कर रहा हूँ ओवर द इंटरनेट, कि जैसे कि आपने जो क्लाउड कंप्यूटिंग है दोस्तों, जैसे तो आपने क्या किया कि ना कि वो जो पूल बन गया मेरा सारा का सारा, जो मतलब एक मटका पूरा बन चुका था दोस्तों, अब मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, अब मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, लोगों को जितनी ज़रूरत थी उन्होंने जो है उसमें से पानी लिया, पीना शुरू कर दिया, और नहीं ज़रूरत है उतना उन्होंने वापस कर दिया, मतलब उन्होंने झूठा नहीं करा, उन्होंने जो है बेसिकली पिया और जितना ज़रूरत थी पिया, और अगर जैसे बच गया तो वापस कर दिया एक तरीके से, ऐसे मान लीजिए। तो वो जो पूल है दोस्तों उसको बोलते हैं क्लाउड, एक तरीके से आप कह सकते हैं क्लाउड, क्यों, क्योंकि वो एक पूल ऑफ रिसोर्सेज बन गया, पूल मतलब एक जगह सारी रिसोर्सेज आ गई और आपने जो है एक तरीके का पूल बना दिया, एक तरीके का आपने कहना चाहिए एक मटका बना दिया, और वो एक तरीके से एक बड़ा सा बेसिकली पूल बन चुका है, और उसमें काफ़ी सारी रिसोर्सेज हैं, जिसे जो ज़रूरत है वो ले सकता है, जिसे जब ज़रूरत नहीं है वो उस चीज़ को वापस कर सकता है उसके अंदर, पूल के अंदर, तो इसे हम दोस्तों बोलते हैं क्लाउड। अब दोस्तों ये मान लीजिए सर्वर तो बहुत सारे आ गए मेरे पास, ठीक है, अब सर्वर काफ़ी सारे आ गए, और ऐसा नहीं है दोस्तों ये पूल जो है एक ही जगह है, अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि डेटा सेंटर में काफ़ी सारे सर्वर्स लगते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे सर्वर्स जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक डेटा सेंटर कहलाते हैं दोस्तों, एक डेटा सेंटर, मान लीजिए मेरे फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में, ठीक है, या फिर दिल्ली में, काफ़ी सारी जगह, मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्लॉट है, मैंने काफ़ी सारे सर्वर वहाँ पर रख दिए, तो उसी जगह को हम बोलेंगे एक डेटा सेंटर है उस जगह का। अब दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो लोग कई जगह डेटा सेंटर बनाती हैं मान लीजिए, और वो भी काफ़ी काफ़ी दूर दूर बनाती हैं, ताकि मान लीजिए वहाँ पे कहीं कोई मिस हैपनिंग हुई, बम विस्फोट हुआ या कोई भूकंप आया, तो वो जो सर्विसेज वहाँ से दे रही हैं वो अफेक्ट ना हो, मतलब वो जिन्होंने भी एप्लीकेशन जो कंपनियां वहाँ पे छोटी छोटी रन कर रही हैं उस डेटा सेंटर में, उनको अफेक्ट ना हो, ठीक है, वो कैसे नहीं होगा वो तो बात की बात है ना, तो वो जो डेटा सेंटर है दोस्तों जो वहाँ पे रन कर रहा है उस पर्टिकुलर शहर में उस जगह पे, वैसे ही डेटा सेंटर वो कई जगह बना देती हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई अफ्रीका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई अमेरिका में है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल चाइना में है, तो अब देखिए दोस्तों कितने सारे डेटा सेंटर हो गए, उनके अंदर कितने सारे सर्वर्स हो गए, तो अब उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, ठीक है, अब वो कैसे कर लिया, वो दोस्तों एप्लीकेशंस होती हैं उसके थ्रू वो एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, अब एक जगह इकट्ठा कर दिया, अब जिसको जहाँ ज़रूरत है, मान लीजिए कोई चाइना का कस्टमर आया, ठीक है, कोई कंपनी आई, उसे 5 सर्वर चाहिए, कहाँ पे, इंडिया में चाहिए, गुड़गांव में, तो वो वहीं से इंटरनेट के थ्रू उन्हें क्या करेगी, ये जो क्लाउड वाली जो कंपनी है वो उन्हें एक यूज़र इंटरफेस, एक वेबसाइट दे देगी, वो वहाँ से खोलेंगे उस वेबसाइट को, और वहाँ से बैठ के वो 2-3 सर्वर जो है इंडिया के बना लेंगे, तुरंत ही झट सीना बन जाते हैं आजकल, पहले ज़माने में तो बहुत टाइम लगता था, क्या करेंगे वो झट सीना जो है ओवर द वेबसाइट वो बना लेंगे सर्वर अपना, जैसे भी बनाना है, कितनी कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी सीपीयू चाहिए, और वो क्लिक मारेंगे उनका सर्वर तैयार हो जाएगा तुरंत ही दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ, एक कंपनी है मान लीजिए, अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग में दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ चुकी हैं सारी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और बहुत पैसा है इसमें, जिनके पास बहुत पैसा है दोस्तों, कंपनियों के पास, और बहुत पैसा कमाना चाहती हैं वो इसमें आ रही हैं, तो वो क्या करती हैं दोस्तों, वो कई जगह मतलब दुनिया में कई जगह वो क्या करती हैं डेटा सेंटर बना लेती हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करती हैं वो डेटा सेंटर बेसिकली आप कह सकते हैं वो सब एक जगह पूल कर देती हैं रिसोर्सेज, पूल मतलब एक जगह इकट्ठे कर देती हैं सारे सर्वर की रिसोर्सेज, वर्चुअली कह सकते हैं एक वेबसाइट बना के, ठीक है, एक वेबसाइट अपनी वो बना देंगी क्लाउड वाली कंपनियां, और वो सारे डेटा सेंटर वो एक जगह जोड़ देंगे, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी है जहाँ से उसे वो डेटा सेंटर पास लगता है, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल रहता हूँ अफ्रीका में, मुझे अफ्रीका का डेटा सेंटर पास लग रहा है, तो मैं उसी वेबसाइट पर जाऊँगा, सेम एक वेबसाइट पर, और वहाँ पर वहाँ से अपने जो है 5 सर्वर बना लूँगा, मतलब मैं अफ्रीका की कंपनी में काम करता हूँ और मुझे 5 या 10 सर्वर की ज़रूरत है, तो मैं उसी सेम उसी क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी से मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मैं उनकी वेबसाइट पे गया और अफ्रीका की लोकेशन सेलेक्ट करके 5 सर्वर बना लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो बेसिकली क्लाउड एक तरीके, और एक्सेस कैसे हो रहा है दोस्तों,
आप फिजिकली तो आप जा नहीं रहे ना वहां पे अफ्रीका में डेटा सेंटर में, या गुड़गांव में तो वो चाइना वाला बंदा नहीं आ रहा ना, वो एक्सेस कैसे कर रहा है? वेबसाइट के थ्रू कर रहा है, ओवर द इंटरनेट कर रहा है, और इतनी हाई स्पीड है आजकल दोस्तों, वो सारे काम इंटरनेट पर ही होते हैं। तो एक तरीके से क्लाउड को इंटरनेट भी माना गया है, इंटरनेट जो कि हमें ये सारी फैसिलिटी दे रहा है हम उसे भी क्लाउड मानते हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा मेरा तरीका लगाओ कि मैं कुछ ज़्यादा मतलब आप लोगों को समझा नहीं पाया, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो भी अच्छा या बुरा कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं अपना जो है आपको हो सकता है बाद में समझा सकूँ लिख के, या फिर कैसे भी मतलब मैं हो सका, अगर आपको सही नहीं लगे तो आप प्लीज़ बताइएगा जरूर। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी ये कंपनियां, जैसा मैंने बताया इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में बिजनेस में सबसे बड़ी कंपनी जो है दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आप लोगों ने तो केवल सामान खरीदा हुआ होगा, ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी या कुछ, किससे? अमेजन से। अमेजन है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे पहले आई थी क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस में। उसका प्रोडक्ट मतलब वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अपने बेसिकली प्रोडक्ट मतलब आप मान लीजिए उस कंपनी का प्रोडक्ट है एक तरीके से, उस प्रोडक्ट को वो लोग बोलते हैं अमेजन की जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो जो विभाग है उस प्रोडक्ट को वो लोग बोलते हैं अमेजन वेब सर्विसेज। दोस्तों सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज अमेजन वेब सर्विसेज ही पूरे दुनिया में देती है। 80-90% क्लाउड जो आजकल का यूज़ हो रहा है वो मतलब जो भी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियां जो भी अपने सर्वर जो है बनाती हैं, तो 80-90% कंपनियां जो है AWS बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, अमेजन वेब सर्विसेज पे ही अपने सर्वर बनाती हैं दोस्तों। उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। तो दोस्तों अमेजन जो वेब सर्विसेज है दोस्तों वो दुनिया में सबसे बड़ा है, अमेजन जैसे आप जानते ही हैं। तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, जो पैसा जो जनरेट होता है इनका, अमेजन वेब सर्विसेज से बहुत ज़्यादा होता है। इनका ये तो है ही, जो ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग की इनकी वेबसाइट है, ये तो है ही इनका काम दोस्तों, लेकिन ये जो अमेजन वेब सर्विसेज है दोस्तों, इससे भी ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, 1/3 जो ये लोग कमाते हैं, 1/3 या फिर हो सकता है हाफ, 50% या 40% पैसा ये लोग इसी इसी से ही जनरेट करते हैं, अमेजन वेब सर्विसेज से। तो ये लोगों ने अभी जो इंडिया में अमेजन जब आई थी, तो फ्लिपकार्ट है जैसे, स्नैपडील है, इन्होंने तो पैसा जो लिया था कहाँ से? और इन्वेस्टर्स से, एंजल इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटल है, इन सब इन्वेस्टर्स से इन्होंने पैसा लिया था और इकट्ठा करा था, बाकी जो इन्वेस्टमेंट की कंपनियां उनसे। लेकिन अमेजन ऐसी कंपनी थी, उसके पास इतना कैश है, इतना पैसा है कि, और वो भी किससे? अमेजन वेब सर्विसेज की वजह से, कि उन्होंने वहीं से पैसा निकाला, 2-4 बिलियन डॉलर्स ऐसे ही, और इन्वेस्ट कर दिया इंडिया में। तभी तो इतनी जल्दी अमेजन एक्सपेंड हो गया, इतना बड़ा बन गया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है दोस्तों? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में पैसा है नो डाउट, लेकिन इतना पैसा नहीं है, क्योंकि वो लोग कमीशन खाते हैं, उससे वो उन्हें पैसा नहीं मिल पाता उतना। लेकिन जो अमेजन वेब सर्विसेज है, इससे क्या है, दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी अपना आईटी का डिपार्टमेंट है, जो भी सर्वर जिन्हें चाहिए, वो सारे कहाँ डालनी है? यहाँ पर डालनी है। अब वो सारी कंपनियां आईटी में जितना भी पैसा है बेसिकली सर्वर जो खरीदने से बेटर है वो यहाँ पे देंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें रखने की जगह, मतलब ऐसे देखिए, आपकी कोई भी कंपनी है छोटी मोटी, वो अपने यहाँ सर्वर रखेगी तो उसे जगह की ज़रूरत है पहली चीज़, और वो खरीदेगी तो एक बार में इतना पैसा दे रही है, क्योंकि तो एक एक सर्वर देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर आप नॉर्मल लेंगे 30-35 हज़ार का आएगा। अब सोचिए उसमें रैम, मेमोरी, सीपीयू, डिस्क स्पेस इतनी ज़्यादा तादाद में लगा हुआ है, तो वो कितने का आएगा? एक एक सर्वर दोस्तों आप मानेंगे नहीं यकीन, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख के आते हैं दोस्तों। अब वही कंपनी दोस्तों अगर वो एक एक सर्वर खरीदने बैठ गई, छोटी मोटी कंपनियां, वो लोग या बिजनेस चलाएंगे या सर्वर खरीदेंगे, तो वो लोग क्या करती हैं, ऐसी कंपनियां क्लाउड की जितनी भी कंपनियां हैं, मान लीजिए कोई भी एक क्लाउड की कंपनी उन्हें जो सस्ती लगी, अच्छी लगी, आसानी से यूज कर सके उनका वेब इंटरफेस, तो वो उन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और वो अपने सर्वर वहां पे बना देती है। क्योंकि जो काम वो अपने अपने खुद के प्रेमिसेस, अपनी खुद की जगह से देंगे, वो बेटर है कि वो सर्वर जो है वहां पे ले लें। और वहां पे लेने से फायदा क्या होगा? जितनी देर यूज करोगे उतनी देर का पैसा। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों अपने घर में लगा लिया, अब दोस्तों कंप्यूटर भी अगर मान लीजिए चलता है 10 घंटे 20 घंटे, तो बिजली का बिल तो आता ही है ना। अब सर्वर जितनी, उसमें इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, तो उसका बिल सोचिए, एक सर्वर चलने का बिल कितना आएगा? कम से कम महीने का 10-15 हज़ार रुपये एक सर्वर चलने का बिल आएगा। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या कि वो इतना महंगा है एक सर्वर, तो बेटर है कि मैं 4-5 सर्वर जो भी मुझे ज़रूरत है कंपनी को, मैं क्या करूँ, इन्हीं किसी एक कंपनी में से, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनियां हैं, वहां पे जाके रेंट पे ले लूँ,
जितनी देर की जरूरत है, तो वो लोग रेंट पे ले लेती हैं जितनी जरूरत है, जितनी देर काम करना है करती हैं, नहीं तो उसके बाद जो है उसे डिलीट कर देती हैं या फिर आप कह सकते हैं बंद कर देती हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, उतनी देर जितनी देर आपने चीज चलाई, जितनी देर आपने सर्वर यूज करा, ठीक है, उतने का ही पैसा लेती हैं। तो फायदा विन विन सिचुएशन है दोस्तों, इन लोगों के लिए भी, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों के लिए भी, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, ये लोग पैसे से पैसा बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो चार सर्वर ही होस्टेड है, लाखों कंपनियां जब जाके इनके पास अपना सर्वर होस्ट करेंगी तो ये लोग तो पैसा बनाएंगे ही ना। अब दूसरी तरफ पे जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए भी, उनका भी पैसा बच रहा है कि उन लोगों को अपने घर में जो है बेसिकली अपनी जगह पे सर्वर खरीद के नहीं रखना पड़ना पड़ रहा, पावर की कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, 50 चीजें होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अमेजन इतनी बड़ी कंपनी है जैसा मैं बता रहा था, ऐसी दोस्तों उसके बाद, लेकिन अमेजन सबसे महंगी भी है दोस्तों। अमेजन जो पैसे चार्ज करती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती है, ऐसा मतलब माना गया है, बोला भी जाता है और ये है भी वैसे। उसके बाद आई दोस्तों अज्यूर है, माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसे बोलते हैं अज्यूर, AZUR। तो ये भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट भी, अज्यूर माइक्रोसॉफ्ट के भी कई डेटा सेंटर्स हैं, तो वो लोग सर्विस किस नाम से देते हैं, किस प्रोडक्ट के नाम से, अज्यूर के नाम से। ऐसे ही अमेजन के भी दुनिया भर में जो है डेटा सेंटर है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के नाम से जो है बेसिकली अपनी सर्विसेज देती है, और ये थोड़ा सा सस्ता है अमेजन से। तो काफ़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, अमेजन में ना जाके अज्यूर पे जा रही हैं, लेकिन अमेजन जो ऐसा जो है, जो अमेजन वेब सर्विसेज, उनके पास बहुत सारी जो है फंक्शनैलिटीज़ है, आप कह सकते हैं बहुत सारी तकनीक्स हैं और लेटेस्ट है बिल्कुल। तो काफ़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इन पे जाना प्रेफर करती हैं। ऐसा नहीं है माइक्रोसॉफ्ट छोटी मोटी है, इनके पास भी है काफ़ी सारी, अब तो ये भी बढ़ाती जा रही हैं अपनी फंक्शनैलिटीज, तकनीक्स आप कह सकते हैं बढ़ा रही हैं, तो कंपनियां इस पे भी जा रही हैं। तो इस समय जो मार्केट लीडर हैं यही सारी हैं। जो अमेजन है वो तो बहुत पुरानी है, तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, फीचर्स हैं। उसके बाद अज्यूर आई, और रैक स्पेस वगैरह भी पहले से चल रही हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग की, आप लोग सर्च मारेंगे तो आपको जितनी भी आईटी की टेक्नोलॉजी की कंपनी मिलेगी ना दोस्तों, सब लोग अपना जो है यही धंधा कर रही हैं, यही काम कर रही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। ऐसी रैक स्पेस है, एक बाहर की कंपनी है। अब दोस्तों गूगल भी इसमें कूद पड़ा, उसने देखा कि इसमें बहुत पैसा है, एक बार की इन्वेस्टमेंट है बड़ी सी डेटा सेंटर बनाने की, और डेटा सेंटर तो दोस्तों उनके पास थे ही बहुत सारे, क्यों, क्योंकि उनका सर्च इंजन अगर आप सर्च मारो 1 सेकंड में रिजल्ट देता है, 1 सेकंड क्या, उससे भी कम में अगर आप एंटर मारते रिजल्ट देता है, कैसे देता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो है अपने सर्वर दुनिया भर में रख रखे हैं, एक जगह नहीं दुनिया भर में रख रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनके पास तो ऑलरेडी इतने सारे डेटा सेंटर थे, तो उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया, गूगल ने, जिसको नाम दिया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब दोस्तों ये जो गूगल है, ये अभी लेटेस्ट ही आया है, लेकिन सबसे सस्ता रेट बोलते हैं यही दे रहा है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से अजम्पशन तो नहीं कहूंगा, जैसा कि मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये हाँ किसी कंपनी की बुराई या फिर बहुत ज्यादा अच्छाई भी नहीं कर रहा, मैं एक न्यूट्रलिटी आपको जो बता रहा हूँ, जो सच्चाई है, जो मैंने पढ़ी है, जो सारी चीजें, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये सारी बिग बिग कंपनीज हैं मैंने जिनके बारे में बताया, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। रैक स्पेस वगैरह भी आती हैं, बाद में आती हैं, IBM का भी क्लाउड कंप्यूटिंग में आ चुकी है, HP भी आ चुकी है, सारी बड़ी कंपनियां, डेल भी है दोस्तों, सारी बड़ी कंपनियां जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या तो सर्वर बनाती हैं, कंप्यूटर बनाती हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सब इस धंधे में कूद पड़ी है। वेराइजन है जैसे टेलीकॉम की, वो भी इसमें है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्लाउड भी 3 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्लाउड क्या है बेसिकली, कि पूल ऑफ रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज कहाँ से आ रही हैं दोस्तों, डेटा सेंटर से। अब डेटा सेंटर जरूरी नहीं है एक ही लोकेशन पे हो, कई जगह हो सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो उन सबको एक जगह पूल कर दिया, एक जगह मतलब मिला दिया, कैसे, इंटरनेट के थ्रू मिला दिया, मतलब वेबसाइट बना के मिला दिया, आप ऐसा समझ लीजिए। और उसको जो है, जिसको जो यूज़ करना है उस वेबसाइट पे जाए, चाइना का सर्वर चाहिए, चाइना के पास सर्वर ले लिए, रेंट कर लिए, खरीद लिए, या फिर कुछ टाइम के लिए रख लिए और यूज़ करें, और फिर जो है नई ज़रूरत है बंद कर दें उनको, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों क्लाउड भी होता है। क्लाउड दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड दोस्तों क्या हुआ, जो भी कंपनियां हैं अपने घर में या अपनी प्रेमिसेस में, अपनी जगह पे जो डेटा सेंटर लगाती हैं, उसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। नॉर्मल जो एक डेटा सेंटर है जहां पे सर्वर्स रखे जाते हैं, मान लीजिए एक ABC कंपनी है, ठीक है, उसका खुद का डेटा सेंटर है दोस्तों, ठीक है, वो अपने जो है सर्वर्स कहीं से भी खरीदना नहीं चाहती, रेंट नहीं लेना चाहती किसी और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से, उन्होंने अपनी जगह पे सर्वर रख रखे हैं, तो उसे बस बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब दोस्तों जो
पब्लिक क्लाउड है दोस्तों। वो कौन सा क्लाउड है? वो वही क्लाउड है जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां दे रही हैं। अब मान लीजिए कोई भी कंपनी, एबीसी जो कंपनी थी, उसने खुद का डेटा सेंटर ना बना के उन्होंने जो है 5-6 सर्वर रेंट पे या खरीद लिए। कहाँ से खरीदे दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से। तो वो उस जो एबीसी कंपनी थी उसके लिए वो डेटा सेंटर क्या हो गया? पब्लिक क्लाउड हो गया दोस्तों। ठीक है, उस एबीसी कंपनी जिसने 5-6 सर्वर रेंट पे लिए या खरीद लिए उस क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से, वो उसके लिए वो दोस्तों हो गया पब्लिक क्लाउड। वो पब्लिक हो गया क्योंकि तो वो उसे एक्सेस कहाँ से कर रहा है दोस्तों? ओवर द इंटरनेट करेगा। ठीक है, अब जो उसके लोकल डेटा सेंटर में, अगर उसने खुद का डेटा सेंटर बना रखा होता तो वो लोकली कर रहा होता वहीं पर बैठा बैठा। लेकिन अब वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग से उसने जो सर्वर्स लिए वहां से एक्सेस कर रहा है, तो वो क्या हुआ उसके लिए दोस्तों? वो हो गया पब्लिक क्लाउड। और वो एक्सेस कैसे कर रहा है? इंटरनेट के थ्रू। अब दोस्तों हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए वही एबीसी कंपनी है, उसका खुद का भी डेटा सेंटर है, कुछ सर्वर्स है उसने वहां रख रखे हैं और कुछ सर्वर्स उसने रेंट पे या फिर खरीद रखे हैं कहाँ से? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से। और लोकली भी वो अपने सर्वर एक्सेस कर पा रहा है, कुछ सर्वर जो जिसके लिए उसे जरूरत है, और कुछ सर्वर जो है उसने जो है खरीद रखे हैं वहां से पब्लिक क्लाउड, मतलब बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से। तो दोस्तों मिला के दोनों का क्या हो गया? पब्लिक और प्राइवेट का हाइब्रिड क्लाउड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सर्विस मॉडल। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां जो होती है ना, उनके सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रही हैं, वो सर्वर तो दे ही रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रही हैं, उनके मॉडल को क्या बोलेंगे आप? मॉडल मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, एचपी है, ठीक है दोस्तों। अब वो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है। अब कंप्यूटर वो ज़रूरी नहीं है, या जो लैपटॉप बनाती है, लैपटॉप भी बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लैपटॉप एक ही टाइप के बनाए। 4 GB RAM, 4 GB RAM, 4 GB RAM, कुछ बनाएगी 4 GB RAM के, कुछ बनाएगी 15-16 GB RAM के, कुछ बनाएगी 2 GB RAM के, कुछ बनाएगी 8 GB RAM के। वो अलग अलग क्या हो गए दोस्तों? मॉडल्स हो गए। एक मॉडल का ये है, एक मॉडल में 4 GB RAM है, इतना CPU है, मतलब कोर टू ड्यू। एक मॉडल है 8 GB RAM है, उसमें जो है CPU i3 का प्रोसेसर है, i7 का प्रोसेसर है मान लीजिए, ठीक है। तो वो एक मॉडल है, ये दोनों अलग अलग मॉडल के हुए। तो इसी तरीके से दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियों ने भी जो डिफाइन करा हुआ है वो 3 टाइप के मॉडल यूज करती हैं दोस्तों। एक है SaaS, एक है PaaS, एक है IaaS। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS का होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब दोस्तों मैं नीचे से शुरू करता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। IaaS दोस्तों क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब जो दोस्तों मैं जैसा बता रहा था आपको कि जो कंपनी थी ये एबीसी, उसने क्या किया? कुछ सर्वर्स लिए सीधे, ठीक है, सर्वर्स लिए और कहाँ से लिए? क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी से लिए, रेंट पे लिए या खरीदे और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो वो दोस्तों सीधा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्यों? क्योंकि उसने सर्वर ले लिए और अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या हुआ आपका? अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस था, जो मैं पुराना वाला बता रहा हूँ, सर्वर लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। क्या काम शुरू करा? उस पर जो एप्लीकेशन थी वो खुद डाली, डेटाबेस खुद डाला, तो सारा काम तो वो खुद ही कर रहा है ना। बस खाली उससे जो बक्से की जरूरत थी सर्वर की, वो उसने ले लिया और उस पर काम शुरू कर दिया। अब दोस्तों अगला आता है, उसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब दोस्तों अगला आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है दोस्तों? अब क्या हुआ बेसिकली कि उसने, एबीसी जो कंपनी थी, उसने सर्वर लिया, ठीक है दोस्तों, लेकिन वो सर्वर जो उसने लिया उस पर ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, डेटाबेस मतलब जो है ऑलरेडी, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में उसने जो सर्वर लिया दोस्तों, ठीक है, और उसने खुद ही डेटाबेस डाला, खुद ही एप्लीकेशन डाली और काम करना शुरू कर दिया। और जो एप्लीकेशन है, जो डेटाबेस है, जो दोस्तों अपने हिसाब से उसने वर्जन डाल दिया और लाइसेंस भी उसने खुद ही खरीदे थे उन चीज़ों के, एप्लीकेशन के भी और डेटाबेस के भी, खुद ही डाले, खुद ही लाइसेंस खरीदे और उस पर यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या हुआ? उसने सर्वर तो लिया ही, साथ में उसने एप्लीकेशन और डेटाबेस भी उसी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी से उठा लिया। उसी क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी से उसने एप्लीकेशन भी लेके उसी सर्वर पर डाल दी और डेटाबेस भी लेके डाल दिया। तो जो लाइसेंस की कॉस्ट थी वो तो बिल में लग के आएगी उसके, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी जो उसको देगी, लेकिन उसे खुद तो नहीं खरीदना पड़ा ना लाइसेंस। तो आप ऐसे मान लीजिए ये पैस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया उसे
सर्वर दे दिया, एप्लीकेशन वगैरह दे दी, और बेसिकली और वहीं से उसने खरीद के उसने वहीं से ही जो है ऑलरेडी जो था उस मतलब एप्लीकेशन और डेटाबेस था वहां पे, बस उसे एक तरीके से लगा दिया सर्वर पे, उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, या फिर इंस्टॉल भी कर दिया लगा दिया, लेकिन उसने उसे क्लाउड कंप्यूटिंग वाली कंपनी से ले लिया, तो इसे पैस बोलते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या हुआ, जो एबीसी कंपनी थी मान लीजिए, ठीक है, अब उसकी जो खुद की ईमेल ईमेल कह सकते हैं आप, ईमेल की जो साइट थी उसकी, मान लीजिए उसने खुद की बना रखी थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे एट द रेट माइक्रोसॉफ्ट है जैसे कंपनी, ठीक है दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए एबीसी कंपनी है, उसकी खुद की ईमेल एड्रेस है @abc.com, ठीक है दोस्तों। और वो कैसे बनी है, उसने खुद ही जो है मेल सर्वर बोलते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू जो है ईमेल सर्विस चलती है, मेल सर्वर उसने जो खुद ही अपने डेटा सेंटर में जो उसने खुद पे बनाया था, उसने वहीं पे होस्ट कर रखा था, जो मेल सर्विस है @abc.com उसने वहीं ले रखी थी, वहीं वहीं पे होस्ट कर रखी थी, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों कि वो मेल सर्विस जो है वो खुद अपने डेटा सेंटर पर नहीं रखना चाहता, मेल सर्वर जो है खुद अपने डेटा सेंटर के अंदर नहीं रखना चाहता, वो चाहता है कि जो मेल की सर्विस है वो मुझे यही दे दे क्लाउड कंप्यूटिंग वाली, मुझे खाली जो है वेब का इंटरफेस मिल जाए, मेरे जो यूजर्स हैं मेरे जो एम्प्लॉय हैं एबीसी कंपनी के उन सबको जो है बेसिकली एक यूजर इंटरफेस मिल जाए, तो वो लोग क्या करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनियां उन्हें जो है सब कुछ मतलब ईमेल की सर्विस जो भी इतने टाइप की सर्विस होती है वो लोग खुद ही वहां पे जो उन्होंने बना रखी है वो उनको दे देंगी, उसको दे देंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीमेल है दोस्तों, अब मान लीजिए दोस्तों एबीसी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, उसने क्या किया अपना जो है खुद की ईमेल बनाने के बदले उसने सीधे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके कांटेक्ट करा गूगल क्लाउड से, ठीक है दोस्तों, और कहा कि मुझे भाई मैं अपनी ईमेल एड्रेस नहीं बनवाना चाहता @abc.com, आप मुझे जीमेल से ही दे दो। तो गूगल वालों ने क्या किया, जीमेल से ही उन्हें जो है ईमेल एड्रेस एक जो है यूजर इंटरफेस बना के दे दिया, और वो वहां से जो है अपने कहिए कि आपको जितने ईमेल एड्रेस चाहिए आप लोग बना लीजिए, बस मुझे इतने का पेमेंट कर दीजिएगा, आप लोग यूज करिए सर्विस सीधे। तो क्या हुआ दोस्तों, वो जो सॉफ्टवेयर था ईमेल का एक तरीके से खुद कंपनी ने इंस्टॉल नहीं करा, इंस्टॉल कौन करा, काम कौन कर रहा है उस पर, किसके बंदे उसको देख रहे हैं, गूगल के कंपनी के देख रहे हैं, लेकिन यूज कौन कर रहा है दोस्तों, एबीसी कंपनी के एम्प्लॉयज। तो जो एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन है, अब जैसे दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल है, वन ड्राइव है, स्काई ड्राइव थी जिसको चेंज करके वन ड्राइव कर दिया उन्होंने नाम, जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है जैसे, ठीक है दोस्तों, ये जितने भी ये जो सॉल्यूशन दे रही है क्लाउड के, मतलब आप डेटा यहां पे रखिए, आपका डेटा ऑलरेडी सिंक हो जाएगा, आप जहां से भी खोलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू। तो ये कंपनियां कौन सी दे रही हैं दोस्तों, क्लाउड की कंपनियां ही दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वन ड्राइव है दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में ही होस्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्यूर है उसमें ही होस्टेड है। ऐसी ये जी ड्राइव और ये गूगल ड्राइव, जी मेल, याहू मेल, सॉरी यूट्यूब, याहू मेल छोड़ दीजिए, यूट्यूब है, गूगल है, इवन गूगल जो वेबसाइट है वो सारी दोस्तों कहाँ होस्टेड है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के डेटा सेंटर पे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बोला जाता है उसे, वहीं पे ही होस्टेड है। और दोस्तों वो जो वेबसाइट है जीमेल है यूट्यूब है, ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट है गूगल की साइट है जो, इन सबको इंस्टॉल कौन करता है, इन सबको चलाता कौन है, इन सब की देखभाल कौन करता है, अगर कोई गलती हो जाए कोई कोड गड़बड़ हो जाए गूगल के ही बंदे करते हैं दोस्तों, है ना। हम तो खाली यूज कर रहे हैं दोस्तों, जीमेल हम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं ना, और आपका ये यूज करते हैं, गूगल की साइट यूज करते हैं ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, यूज करते हैं ना। तो इसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हम लोग नॉर्मल यूजर्स या फिर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज यूज कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो एबीसी कंपनी है उसका आईटी डिपार्टमेंट उस चीज की देखभाल नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं जैसे यूजर हूं दोस्तों, मेरे लिए वो जो जीमेल है यूट्यूब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैंने तो खाली अपना अकाउंट बनाया, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर की देखभाल, वो सारा काम कौन कर रही है, गूगल क्लाउड की कंपनी कर रही है, या फिर जो क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी है वो सॉफ्टवेयर की देखभाल कर रही है, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो उसने सीधे यूजर्स को दे रखी हैं, यूजर्स को कुछ नहीं करना, बस जो वो सर्विस यूज कर रही है उसका पैसा देना है।
अब जैसे दोस्तों जीमेल जो लोग यूज करते हैं, हम लोग तो फ्री वाला यूज करते हैं जिसमें 5 या 15 GB तक का ही स्पेस मिलता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने जीमेल से कांटेक्ट कर रखा है, गूगल से कांटेक्ट कर रखा है, वो लोग अगर अपनी कंपनी को, एम्प्लॉयज को जीमेल के अकाउंट्स देते हैं ना दोस्तों, तो वो लोग फ्री वाले नहीं देते हैं, क्योंकि 15 GB तो जो कंपनी में, एम्प्लॉय में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है, उनका 15 GB या 5 GB जो भी मिलता है फ्री वाला, वो तो तुरंत भर जाएगा। तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्पेस में, मतलब स्पेस क्या मतलब, वो जो जीमेल का अकाउंट देते हैं वो पेड वाला देते हैं, पैसे वाला देते हैं। तो जो गूगल वाली जो कंपनी है दोस्तों, गूगल क्लाउड बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है या जो गूगल कंपनी है, वो क्या करती है, अपने जीमेल के एड्रेस, आप एक तरीके से सोच लीजिए 50 एड्रेस हैं, वो बेच दिए एबीसी कंपनी को। तो अब एबीसी कंपनी वाला जो है, जो 50 एम्प्लॉइज को वो @gmail वाले एड्रेस दे देगा, @gmail वाले एड्रेस दे देगा कि आप लोग यूज करिए। और दोस्तों जैसे जो हमें 5 GB स्पेस मिला है, अब उसने डायरेक्टली गूगल से खरीदा है कुछ पैसे देके, तो उसे 100 GB या फिर 1 TB तक का स्पेस मिल जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर ये जो है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उसके लाइसेंस, सारा काम, उसका इंस्टॉलेशन से लेकर सब कुछ वो कौन देख रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी देख रही है, हम खाली जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। एबीसी कंपनी जो है उसके एम्प्लॉयज खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो इस्तेमाल का पैसा है वो कौन दे रहा है, एबीसी कंपनी दे रही है गूगल को। और उस सॉफ्टवेयर का रखरखाव या उस एप्लीकेशन का रखरखाव या फिर वो उसका इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ जो है कौन देख रहा है, गूगल देख रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है दोस्तों। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ द स्लाइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी बिना रुके और सबसे सिंपल टर्म्स में, नॉर्मल टर्म्स में आप लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग समझाने के लिए। दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, बैठ के पूरी रात भर स्लाइड बनाई, ऑनेस्टली बताता हूँ। और मुझे लगा कि ये चीज़ ऐसी है कि मुझे शेयर करनी चाहिए सब लोगों के साथ, क्योंकि ये दोस्तों कई ऐसे टर्म्स होते हैं हम लोग सुनते हैं दूर से, हमारे कान में पड़े, लेकिन या फिर हमने कहीं पढ़े, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों, हम लोगों ने कहीं से सुना है सर्वर है क्या है, कंप्यूटर है क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सुनी, लेकिन हमारे दिमाग में हमने कहीं से पढ़ी भी तो समझ में नहीं आती है। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो रियल में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को और ऐसी वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स जो है अच्छे अच्छे बना के उनके लिए वीडियोस बना के आप लोगों को दे सकूं, और दोस्तों मैं खुद भी मोटिवेट हो सकूं ताकि मैं आपको और अच्छी वैसी वीडियोस दे पाऊं। मुझे लगेगा कि लोग मेरे जो है वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं।